स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके तो बेटा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी फैमिलियराइज यू विद सम टर्म्स इससे पहले कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ें मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है दिस चैप्टर फर्स्ट इज एलिमेंट एंड देन नेक्स्ट इज एटम नाउ बेटा एनी प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो विच कंसिस्ट ऑफ प्योर एनी प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग वन टाइप ऑफ एटम जिसमें सारे एटम्स एक ही टाइप के प्रेजेंट हों उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स अब ये एटम क्या है हमने बोला एटम तो एटम क्या है आपने बेटा पढ़ा एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ब्रिक्स मतलब ईंट एक ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग बीइंग कोई भी लिविंग बीइंग जो है इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सेल इसी तरीके से एलिमेंट्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं एटम्स मतलब हम कह सकते हैं कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की मतलब सबसे छोटी यूनिट है एलिमेंट की इसको इससे छोटा और कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता मतलब एक एलिमेंट जो है वो कुछ एटम्स से मिलके बनता है तो एटम को हम बोल सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट ये किसी एलिमेंट की स्ट्रक्चरल यूनिट है सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते नाउ बेटा नॉन मेटल्स हैं ये भी धरती के नीचे से मिलते हैं लेकिन ये मिनरल्स से बिल्कुल ही
जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, वो मिट्टी के नीचे दब गया और कुछ दिन बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू कोल, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर मिनरल्स दे आर फॉर्म फ्रॉम सब्सटेंसेस दैट वर नेवर अलाइव। तो अब हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स को हम मिनरल्स नहीं बोल सकते हैं, पहले हम उनको मिनरल्स ही बोलते थे क्योंकि वो धरती के नीचे से मिलते थे, वरना मिनरल्स में और फॉसिल फ्यूल्स में बहुत ही ज्यादा अंतर है।